हे टीएमसी आर्मी, दिस इज आशुदा होस्ट ऑफ टीएमसी हंटर चैनल। एंड आज की इस वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गाइस जेट पैक जॉय राइड की। जी हाँ, जेट पैक जॉय राइड की रियल लाइफ स्टोरी के बारे में, जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। यार वीडियो को पूरी देखना एंड दोस्तों कमेंट्स में जरूर बता देना वीडियो कैसी लगी। एंड चैनल पे न्यू आए हो सो गाइस सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का यार, 50,000 सब्सक्राइबर्स फाइनली हमारे कंप्लीट हो चुके हैं हमारे चैनल पे, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका 50K सब्सक्राइबर्स के लिए। एंड और दोस्तों मेरा एक सेकंड चैनल भी है जिसका नाम द मोडिंग क्लब है, तो आप जाकर के उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। उस पर भी रेगुलर वीडियो डालना अभी स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन डालना स्टार्ट बहुत जल्दी कर दूंगा, तो आप जाके द मोडिंग क्लब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। और दोस्तों मेरे एक दोस्त का भी चैनल है यादवंशी टेक्निकल चैनल, तो आप जाकर के उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल के लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड कर दिया। ओके तो दोस्तों यहाँ पे हमारे जेट पैक जॉयराइड की स्टोरी सुनाने से पहले दोस्तों वीडियो को पूरी देखना, मैं फिर से कह रहा हूँ। एंड जेट पैक जॉयराइड की स्टोरी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही ज़्यादा सैड होने वाली है दोस्तों। बीच में आपको मज़ा नहीं आएगा, जब आखिरी में जो मज़ा आया ना स्टोरी में, सो वो मज़ा कहीं और नहीं है। तो वीडियो को पूरी देखना एंड स्टोरी को भी पूरी देखना। कुछ समय पुरानी बात है, एक दोस्तों फादर रहा करते थे जो कि अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। एंड पूरी फैमिली थी जो कि बहुत खुशहाल फैमिली थी। एंड उस फादर की दोस्तों सबको मूँछें बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि उनकी जो मूँछें थी वो दोस्तों एक अलग ही पहचान देती थी उनके चेहरों को। अगर वो दोस्तों मूँछें कटवा भी लेते तो उनके बच्चे उन पर बहुत हंसते और उनके जो फादर थे ये देख के बहुत ही ज़्यादा खुश होते। दोस्तों कुछ मतलब बीमारी के कारण उनकी मम्मी की, उस बच्चों की जो मम्मी थी उनकी डेथ हो जाती है एंड फादर के ऊपर सारी जिम्मेवारी आ जाती है। एंड अपने बच्चों को पालना, हर एक चीज़ करना, ये सब कुछ फादर के ऊपर आ जाता है। दोस्तों फादर अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, यानी कि अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार। वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। सो उनकी जो जॉब थी वो छूट चुकी थी, जहाँ पर वो काम किया करते थे वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से उनकी जो जॉब थी वो छूट चुकी थी। तो घर में दोस्तों दिक्कत आने लग गई थी, क्योंकि अगर कोई बंदा कमाएगा नहीं तो भाई पैसे कहाँ से आएंगे। सो वो दोस्तों एक उनको जॉब मिलती है, वो काफ़ी मेहनत करने के बाद दोस्तों उन्हें एक जॉब दी जाती है। सो वो दोस्तों जो उस जॉब में पैसे कम होने के कारण उसका जो उन बच्चों के जो पापा थे वो उस कंपनी में जॉब करना नहीं चाह रहे थे, बट अपने बच्चों को इंजीनियरिंग करवानी थी उस बाप को, तो वो अपने बेटे को इंजीनियरिंग करवाने लग गया। तो धीरे धीरे करके उसकी बेटे की इंजीनियरिंग पूरी हुई एंड उस बेटे ने दोस्तों उसके बेटे की एक ही ख्वाहिश थी कि मैं एक जेट पैक बनाऊँ, जिससे कि मतलब मैं हवा में उड़ सकूँ और हर एक चीज़ मैं उस जेट पैक से कर सकूँ। तो धीरे धीरे उस बच्चे की ख्वाहिश भी पूरी हो गई एंड उसके जो फादर थे दोस्तों जेट पैक देख के बहुत ज़्यादा खुश हुए। एंड उसके जो फादर ने एक बात ये सोची कि क्यों ना मैं जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ उस कंपनी में मेरी सैलरी भी बहुत ज़्यादा कम है, क्यों ना मैं अगर उस जेट पैक को यूज़ करूँ और उस कंपनी में एक ही बार में अपने चेहरे वेहरे को छुपा के चोरी करने जाऊँ तो कैसा रहेगा। सो उसने यही ठानी और अपने बच्चों से वो जेट पैक ले गया और जहाँ पर वो कंपनी में काम किया करता था वहाँ पे उसने चोरी की एंड काफ़ी सारे कॉइन चुराए, यानी काफ़ी सारे पैसे चुराए। एंड वो इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रॉनिक कंपनी थी वो, जहाँ पर दोस्तों वो जेट पैक लेके घुस चुका था। काफ़ी सारे उस कंपनी वालों ने काफ़ी सारी मतलब उसके ऊपर मिसाइल्स छोड़ी, इलेक्ट्रॉनिक कंपनी थी, बंदूकें मारी, गोलियां मारी एंड दोस्तों कईयों की तो उसमें मौत भी हो गई। यानी जो कि जेट पैक से जो धुआं निकलता है, यानी जो आग निकलती है उस जेट पैक के धुएं एंड आग से उन लोगों की मौत हो जाती है। उसके ऊपर दोस्तों लोगों को पता नहीं होता कि ये कौन सा बंदा है, तो वो दोस्तों मास्क लगे तुरंत भाग गया और अपने जेट पैक को छुपा के वापस अपने घर के अंदर डाल देता है। वो दोस्तों ऐसा ऐसा रोज करने लग गया उसके फादर एंड थोड़ा पैसा आने लग गया एंड उसने एक बड़ा सा घर खरीद लिया अपने बच्चों के नाम। उसके बाद वो यही सोचता रहा कि क्यों ना अब रोज़ मैं ऐसा काम करूँगा तो बहुत अच्छा उन्हें लगेगा। तो दोस्तों कहते हैं ना रोज़ का चोर एक दिन तो पकड़ा जाता ही है। तो रोज़ वो करने लग गया एंड एक दिन एक ऐसी चीज़ दोस्तों उन लोगों ने अपनी कंपनी में लगा दी कि कोई भी आए एंड तुरंत पकड़ा जाए, यानी कि कुछ सिक्योरिटी मतलब गार्ड्स भी लगा दिए और कुछ सिक्योरिटी की चीज़ें लगा दी, जैसे आग उग जो भी आए, यानी जेट पैक अगर आए तो मैग्नेटिक से पकड़ा जाए और हर एक चीज़ हो जाए। सो वो आदमी पकड़ा जाता है ऐसे ही और उसको दोस्तों वहाँ की कंपनी वाले लोग बहुत मारते हैं
बहुत मारते हैं एंड बॉस ये कहता है कि मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। उसके बाद उसको जेल हो जाती है एंड जेल दोस्तों इसीलिए मतलब जेल कुछ 10-11 दिन जेल जाता है दोस्तों और वो जेल से छूट भी जाता है। एंड जेल से छूट क्यों जाता है उस पहली बात तो उसको मतलब समझा दिया जाता है अच्छे से कि इस बार तो चोरी नहीं करेगा, अपने बच्चे के बारे में सोच दोस्तों। और दूसरी बात उसको छोड़ इसलिए दिया जाता है क्योंकि उसके बच्चे हैं एंड उसकी मम्मी भी नहीं है जो कि उन बच्चों की देखभाल कर सकेगी। एंड उसके जो बच्चे हैं वो दोस्तों बिल्कुल भी अपने पैरों पे खड़े इस वक्त नहीं है जो कि जॉब करके अपना गुजारा खुद कर लें। इस वजह से दोस्तों बच्चों के कारण पिताजी को छोड़ दिया जाता है एक वार्निंग दे के। एंड पिताजी को भी समझ आ जाती है कि मेहनत की ही रोटी खानी चाहिए एंड मेहनत के ही पैसों से हर एक चीज़ करनी चाहिए। उसके अगली बार से दोस्तों उसके बेटे ने भी अपने फादर को बहुत समझाया एंड इस बार के बाद दोस्तों वो जो आदमी था वो यानी जो फादर था वो मेहनत की कमाई से ही अपना घर का गुजारा करने लग गया। सो दोस्तों इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कोई भी चीज़ चालाकी से या चोरी से नहीं करनी चाहिए, यानी हमें कहीं भी चोरी करने की कभी सोचनी भी नहीं चाहिए। कुछ कुछ लोग ऐसा करते हैं कि दुकान पर चले जाते हैं खा के भी आ जाते हैं लेकिन पैसे बिल्कुल भी नहीं देते। भाई ऐसा बिल्कुल भी मत करो, वो दोस्तों आपको खिला रहा है वो बंदा अगर आपको कुछ कर रहा है तो कुछ ना कुछ समझ के ही कर रहा होगा। और अगर आप ही लोग उसके साथ ऐसा करोगे तो ऐसे तो काम नहीं बनेगा। सो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना एंड कमेंट्स में जरूर बताना वीडियो कैसी लगी एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जब तक लिए विदा लेना चाहूंगा, जय हिंद, वंदे मातरम गाइस एंड ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट। Oh, 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 oh